हेलो फ्रेंड्स, आज हम डोनट्स बना रहे हैं। चॉकलेट डोनट्स हैं ये, और देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से राइस हुए हैं, कितने सॉफ्ट हैं। देखें, हम आपको छूकर दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे से बने हैं और बहुत सिंपल रेसिपी से बने हैं। आप लोग आराम से घर में बनाइएगा और बच्चों को बनाकर दीजिएगा। यकीन मानिए, बाहर से डोनट्स मंगा कर खाना बच्चे भूल जाएंगे अगर आप उनको इस तरह से डोनट्स बनाकर देंगे तो। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। सभी को अच्छे लगते हैं डोनट्स, तो चॉकलेट से बने हैं तो बच्चों के शौक़ की चीज़ है। आप उन्हें बनाकर अगर एक बार दे देंगे तो वो आपसे बार बार बनवा कर खाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो हम आपको भी बताते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने इनको तैयार किया है, और सिर्फ हमने वाइट चॉकलेट का यूज़ किया है और मैदे का यूज़ किया है, कोको पाउडर का यूज़ किया है, और कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं अवेलेबल कराने हैं। और बहुत ही सिंपल और घर की ही चीज़ों से हम जितने चाहें डोनट्स एक साथ बेक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम डोनट्स बना सकते हैं। विद इन मिनट्स बना लेंगे आप। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बताते हैं आपको हमने किस तरह से बनाना है। तो हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, एक बोल के करीब है, ये 250 ग्राम मैदा है। तो हम इसे छानेंगे मैदे को, और छानने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड करने वाले हैं। तो ये जो साइड में आपको बोल में नज़र आ रहा होगा, ये चॉकलेट सॉस है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाई थी कपकेक्स में, तो वो ज़्यादा बन गई थी तो मैंने उसका ही यूटिलाइजेशन किया है यहाँ पर। तो मैं मैदे में ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं मैदे को पहले रोस्ट कर लूँगी। बहुत थोड़ा हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो यहाँ पर ये होगा कि हम थोड़ा सा इसका जो डो बनाएंगे वो हार्ड सा बनाएंगे, क्योंकि हमें केक की तरह तो इसका डो बनाना नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भून लूँगी मैं, और देखें जब भून गया तो मैंने वो जो भी आपको सॉस बताई ना, तो उसकी रेसिपी आप मेरी कप्स केक में जो मैंने सॉस यूज़ की है बनाई है उसमें देख सकते हैं। इसमें कुछ ख़ास नहीं है, सिंपली हमने बनाई थी। तो देखिए वो हमने ऐड कर दी है, और यहाँ बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको सेट कर लिया है इस तरह। तो आप डायरेक्ट मैदे में कोको पाउडर और चीनी पिसी हुई और ऑयल डालकर इसे अच्छे से नीड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है कि मैदे में आप कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छे से नीड कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर नीट कर लीजिएगा, तो एक बैटर सा बन जाएगा, जैसे पूरी का होता है ना बैटर, इस तरह का बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने सेम साइज़ के इस तरह से ये डोनट्स बना लिए हैं, और इनको एक नोज़ल से बीच में से कट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक भगोना या कढ़ाई आप जो भी चाहें ले लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही आज भगोने में बनाऊंगी। देखें, कोई ट्रिवेट या कोई चीज़ हमें नहीं यूज़ करनी है, मैं डायरेक्ट ही ढक्कन में इसको, देखें इस तरह से ढक्कन को ग्रीस करने के बाद, एक स्टील का मैंने लिड ले लिया, उसको मैंने ग्रीस कर दिया है और रख दिया है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 12 से 15 मिनट में ही बन जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख दिया है इसको, और 10-12 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद चेक करूँगी।
ये भगोना प्री हीट कर लिया था मैंने इस तरह से, और उसके बाद डोनट्स रख दिए हैं इसमें। तो आइए चेक करते हैं, वो लगभग 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। बहुत अच्छे डोनट्स हमारे देखें बने हैं, राइस हुए हैं अच्छे से और अंदर तक काफ़ी अच्छे से कुक हो गए ये। तो अभी हम आपको चेक कर बताएंगे कितने फूले फूले से बने हैं, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो आप सिंपली मैदे में कोको पाउडर डालकर, दूध डालकर, पिसी चीनी और रिफाइंड ऑयल या बटर या घी जो भी आप डालना चाहें डालकर एक डोसा बना लीजिएगा, सेमी सॉफ्ट सा, और उसको इस तरह से राउंड शेप दे दीजिएगा और नोजल या किसी भी ढक्कन से बीच में से काट दीजिएगा। कितने सिंपल तरीके से बन जाएंगे देख सकते हैं आप। आप एग खाते हो तो एक एग भी डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं टच कर कर, तो कितने अच्छे से फूले फूले बने हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद निकाल लेंगे इस तरह से, और उनके ऊपर हम चॉकलेट, वाइट चॉकलेट या ब्राउन चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का सा चॉकलेट को पकाऊंगी, थोड़ा सा दूध लेकर, हाफ कप से भी कम मैंने दूध लिया है, और ये दो चॉकलेट, वाइट चॉकलेट आप कोई भी ले लीजिएगा दूध में डालकर, और थोड़ा पका लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी उसकी थिकनेस के लिए, और लगातार आप चलाइएगा वरना इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो आप लगातार चलाते हुए ये चॉकलेट ठंडी कर लीजिएगा, और उसके बाद एक पाइपिंग बैग में डालकर थोड़ा सा डोनट्स पर लगा दीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी गाढ़ी हमारी चॉकलेट अच्छी क्वांटिटी में बन गई है, और अब हम एक पाइपिंग बैग में डाल देते हैं। देखें अब बिल्कुल तैयार है, एक पाइपिंग बैग हमने तैयार कर रखा है एक ग्लास के अंदर, और बस इतनी ही गाढ़ी हमें सॉस चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो अब हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे, देखें इस तरह से, और पाइपिंग बैग को नीचे से सीजर से काट दीजिएगा छोटा सा, और इसको इस तरह से डिज़ाइन कर दीजिएगा। तो उससे डोनट्स क्या होगा कि और अच्छे लगेंगे और उनमें टेस्ट भी आ जाएगा चॉकलेट का। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे इनको। तो इस तरह से आप लगा दीजिएगा वाइट चॉकलेट, आप चाहें तो ब्राउन चॉकलेट को भी मेल कर लगा सकते हैं। और जो मैंने चॉकलेट सॉस बना रखी है अपनी लास्ट वीडियो में, आप उसमें भी बनाकर इन डोनट्स को डिप कर सकते हैं, उसके बाद आप वाइट चॉकलेट या ब्राउन चॉकलेट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स हैं काजू बादाम पिस्ता, इनको चॉप कर अच्छे से बारीक चॉप कर इनको स्प्रेड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्प्रिंकलर्स या कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स इस तरह से डाल दिए हैं, देखने में भी लग रहे हैं ना बढ़िया से, बिल्कुल मार्केट जैसे, और मार्केट से भी कहीं अच्छे आप अपने घर में साफ सुथरे और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहें बना लें। तो देखें कितने सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने चॉकलेट सॉस का यूज़ किया है, मेरे पास थी इसलिए, आप सिंपल तरीके से बना लीजिएगा मैदे में सारी चीज़ें डालने के बाद, और नीड कर लीजिएगा और एक बैटर सा बना लीजिएगा थिक सा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उस तरह से आप आराम से डोनट्स बना लीजिएगा। तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वैसे भी चाय के साथ दे सकते हैं, बच्चों को घर में
कभी कभी कुछ नजर नहीं आता, तो आप बना कर इन्हें अच्छे से स्टोर कर दीजिएगा फ्रिज में, काफी दिन तक चलेंगे, ये खराब होने वाली चीज तो है नहीं। तो मैंने मैदे को हल्का सा रोस्ट किया था, आप ना करना चाहें तो बिना रोस्ट किए ऐसी बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं, तो आप उस तरह से बना लीजिएगा।